तो गाइस कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं बेस्ट डायरेक्टर आईवा अवार्ड। तो गेस कर सकते हो कोई कि किसको जाने वाला है? तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर एंड राइटर ऑल्सो। तो गेस कर सकते हो कोई? तो हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं, तो अपने दिलों को थाम के रखिएगा। अवार्ड इज गोज टू मिस्टर अर्जुन। प्लीज वेलकम सर, वेलकम। ना वो अवार्ड? अरे नहीं, बहुत जल्दी है। अरे नहीं, बहुत खुशी है। तो सर कैसा लग रहा है आज आपको? गरम गरम लग रहा है। एसी चला, आप गर्म चला, ठंडा करो। हाँ वैसे एसी अभी लाइट नहीं है। तो गाइस लेके आइए अवार्ड। अरे नहीं यार भाई, बहुत खुश है। नहीं आपकी मेहनत है, ये जो भी है भाई की बहुत मेहनत है। दिन रात मेहनत करके इस अवार्ड को पाया है, इसकी लेके आइए अवार्ड। क्या मैं इसे बना कर देख रहा हूँ? तो ये है आपकी मेहनत। ये चिलम है? चिलम नहीं है, यही है अवार्ड। अरे नया अवार्ड है 2022 का। देख रहे हैं यार, रुक तो जाओ, फोटो तो पहुंचो। अरे देखना दे भाई, देखना क्या बात है। सुनते सुनते मेरी ट्रॉफी, मेरी ट्रॉफी। ट्रॉफी खाने की उम्र है तेरी? या चल खड़ा होकर कुछ काम काज कर ले। ये है मिस्टर अर्जुन, इनका सपना है डायरेक्टर, नहीं नहीं बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने का। आइए मिलकर देखते हैं ये डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या गुण लाते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या बात भाई, सुखे धूप सेक रहा? हाँ भाई धूप ही सेक रहे यार। बड़ी टेंशन सीमा लग रहा? ना भाई बिल्कुल नहीं, ना कुछ तो बात है। अच्छा जी बता फिर क्या बात है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बैठा रहे तू और। चला जा पत्थर मार, उसने में देखे मारे धरी कद्दू पा, हम काटेंगे अपना घास। कहीं जा बैठा रहा धूप, कुछ भी ना करे चाहे हम, वो क्या लेना किसी से। मारी तरफ से तो डिश क्या हो। रानी कब आएगी तू? हैं? ये ट्राली किन्ने फेंक दी मेरे रस्ते में? ये भी देखूं तुझे। Oh shit! Oh shit! ये फेंक दे 2 किलोमीटर दूर उठा के। ले फिर। Oh no! देखा भी नहीं किसी ने। तेरा दिन अच्छा है आज। फिर देखूं तुझे किस दिन। Oh shit! चलो घर चलते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? चलिया है? बस ओके, यही बैठा अभी तक। भाई यार मुझसे तुझे मेरी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो मुझे तो क्या होती, खैर सुबह तो धूप में बैठा है, क्या परेशानी तुझे? ओह शिट, बेटे एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा मैं, तब बताऊंगा तुम सबके, मुंह बंद कर दूंगा। डायरेक्टर बनेगा तू? यार तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा डायरेक्टर बनूंगा एक दिन। बस रहने दे। यार तुम चले जाओ, ऐसे मार मत खाली। इसे फसाता हूं। भाई जी गजब देख रहा भाई। यार भाई जी पर्सनालिटी तो खतरनाक है तुम्हारी भाई, कुछ भी कहो। तो है भाई। पेट वेट भी अंदर कर का भयंकर। तो बिल्कुल अंदर है भाई। एप्स वगैरह भी बढ़िया बना रखे।
तुमने कभी फिल्म में ट्राई नहीं करा क्या आज तक? भाई तुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती विलन बनने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती। देख तेरा पेट कितना अंदर है, छाती कितनी बाहर है तेरी, टांगे कितनी लंबी है भाई साहब, पूरा विलन का लुक है, पूरा विलन का लुक। बन जाऊंगा मैं बिल्कुल, बनेगा तू विलन यार, चिंता मत कर। पैसे कितने मिले जेब में? पैसे बहुत भाई, तुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती विलन बनने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टर अर्जुन खड़ा है तेरे सामने आज। पैसे तो बता रहे मेरे पास, पैसे बहुत। कितने पैसे जेब में? 355 रुपये। मैं बस सोच रहा था बहुत पैसे है, पहले तो यही बहुत है भाई। चल ला, बहुत है तेरी, तुझे विलन बना के रहूंगा, छोड़ साइकिल को, चला छोड़, अब तू विलन है मेरी फिल्म का, चिंता मत करियो, सब मैं देखूंगा। आजा यहां पड़ी यार, अब तू विलन बनेगा, चिंता मत कर, तू विलन बनेगा, ऐसे कर एक बार फिर से, पूरा विलन है तू, चला भाई मुझे विलन बना दे तू, तू विलन बन के रहेगा, चिंता मत कर। अबे बोल दिया ना तू विलन बन के रहेगा, तू चल मेरे साथ, चल हीरो ढूंढते हैं। तुझे नहीं पता कितने बड़े डायरेक्टर हैं? पता नहीं पांच सौ जमीन पर तेरे जैसे नापाक कहां से पैदा हो गए, शुक्र कर कि तू मेहमान है इसलिए बच गया, चला जा मेरे हिंदुस्तान से। सॉरी भाई यार, दफा सर जी। कुछ खाने का इंतजाम कर दो यार, भूख लगी। हाँ डायरेक्टर साहब, पेट में चूहे दौड़ रहे, कुछ लेके आ जाओ खाने के लिए। अरे बहुत भूखे नंगे फंस गए मुझे यार। अच्छा बताओ क्या खाना है? भाई मेरे लिए तो एक राजमा चावल की प्लेट, चार रोटी और मिक्स सब्जी, हाँ और सलाद में प्याज जरूर। प्याज तो बता भाई। एक तो बिरयानी की प्लेट चटनी के साथ, यही लेकर आ जाइए। चलो तुम बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लेके आता हूँ। जल्दी ले जाओ, बस सबर नहीं होता अभी। हाँ विलन साहब, मुझे ये डायरेक्टर तो फर्जी लग रहा। फर्जी? अरे हाँ फर्जी। ना सर जी, मैंने इसकी आंखों में देखा, ये फर्जी दिख रहा है। ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है। ना ना सर जी, ये तो फर्जी है, फर्जी। भाई फर्जी कह रहा तू उसे, जो जो बोला ना, ऊपर से मक्खन की टिक्की भी रखता है। माने टिंकु जिया, जहर खाने को पैसे नहीं है, इन्हें राजमा चावल और बिरयानी खिला दो। साले बड़े हीरो हैं। यार तुम हमारा पागल तो नहीं बना रहे? अरे पागल कहाँ यार, बस मैं भी उसके ही साथ आ रहा। मेरी दिहाड़ी भी छड़वा दी यार तुमने। अरे ना ना, एक्टर बनाऊंगा तुझे यार, मैं विलन बनूंगा, देख बॉडी देख मेरी, बॉडी तो बॉडी तो मेरी भी है भाई जी। अरे विलन साहब, एक घंटा हो चुका है, आराम, हमारे डायरेक्टर साहब अब तक नहीं आए। वो आगे डायरेक्टर साहब देख, वो ले आए खाना, निकालो निकालो जल्दी। देखो भाई हीरो और विलन, तुम्हारे चक्कर से मैं दुबई, सऊदी अरब और कनाडा तक घूम के आ गया, ना राजमा चावल मिले ना मिली बिरयानी, बस मिला तो ये मिला। अब बताओ खाना है कि नहीं? यार डायरेक्टर साहब आप तो बेवकूफ बनाओ यार। नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पैसे की चिंता मत करो, पैसे बहुत है। क्या होगा? क्या आयो? ये बिस्कुट है भाई, पार्ले जी के बिस्कुट। ना दे यार, ये भी नहीं मिलने के बाद। यार मेरे पास दो ही बचे, तुम तो बहुत ही भुक्के नंगे हो यार। ये तो दो ही है, एक दो, ये तो दो ही, मेरे पास भी एक ही है। अब चलो खा लो जल्दी जल्दी। यार डायरेक्टर साहब आप तो बहुत कंजूस हो यार। मैं कंजूस होने से मत बोल दे, देख भाई तुम्हारे लिए लेके आया बहुत दूर से, ये 2 रुपए के मनाला डायरेक्टर, बहुत कंजूस है यार, कंजूस है। देख भाई कंजूस होने से मत बोल, काम करना है करो, निकलो यहाँ से, बहुत हीरो है आपका। अरे सर जी सर, हल्के में ले रहे हो यार, फिल्म फिलोप भी हो सके यार। भाई विलन मैंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है ना, बाहुबली, बाहुबली, बलराम बली, धड़कन, धड़कन, दिलवर, दिलवर और बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान। अरे बजरंगी भाईजान आपने बनाई? नहीं मैं उसमें काम कर रहा था ना, मेरे द्वारा डायरेक्टिंग की गई है उसकी। यार तुम बोलते बहुत, तुम लोग खाओ, शूट भी करना है। हीरो और विलन तो मुझे मिल गए, अब जरूरत है कैमरामैन की, जो बढ़िया सा हो। जल्दी से खाओ और मेरे पीछे आओ। लंबी लंबी देख रहा है।
चल 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 सिंग साउंड चलो भाई। अच्छा फिल्म बनानी है आपको? जी। डायरेक्टर हैं आप? जी। अलग तो नहीं लग रही डायरेक्टर वाली? आया डायरेक्टर हो तुझे लेकिन लगा डायरेक्टर में रहता है तू? रहता बात मत करियो मेरे पे, आपसे तमीज से बात कर। कैमरा मैन है यार, कैमरा मैन साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो यार आप? आपसे ही तो बात कर रहे हैं। फिल्म कितने की है? 2 करोड़। पहले तो पैर नीचे कर, सही था बैठ। 2 करोड़ 50 लाख। 50 लाख है इतना महंगा? अब अभी निकलने का चल चले। अरे बैठो, बैठ के बात करेंगे आराम से। कितना दोगे? 1000 रुपये। साले तसले के मन मरो, चला जाए यहाँ से। अरे गुस्सा नहीं करना कैमरामैन साहब, ये मजाक कर रहा है यार। मेरे कैमरे के मजाक उड़ा रहे यार, कैमरामैन हूँ मैं, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ। 25 लाख कम है। 30 लाख 35 लाख चल। अच्छा 40 लाख में डन। लाइट मैन तुम्हारा होगा? सब मेरा। करना एग्रीमेंट लगा दी करो। अरे यार कैमरामैन साहब कहाँ रह गई तुम्हारी हीरोइन को? 5 मिनट बोल के 20 मिनट से नहीं आई। आने वाली है अभी। ऐसी हीरोइन चाहिए मुझे फिल्म में अपनी। अरे सबर करो डायरेक्टर साहब, सबर करो। आ रहे कौन सी फिल्म बनाई उन्होंने? धड़कन। धड़कन वंस अपॉन अ टाइम मुंबई। यार तुम कल से नहीं बैठ के, बड़ा कोई और बताओ नाम। मुंबई की बहुत बड़ी फिल्म स्टार है वो। जैसे आपको पता है कि हमने कई सारी फिल्में एक साथ में कर ली हैं, काम भी बहुत फिल्मों में हमने एक साथ किया है, तो ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, एक नई फिल्म बना रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं और ये हमारे विलन। विलन? विलन कम लग रहे हैं, हलवाई ज़्यादा लग रहे हैं। नहीं नहीं मैम, अभी इन्होंने अपना ड्रेसअप नहीं पहना है, पर टैलेंट तो इनके अंदर फुट वाला है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि कपड़े कपड़े तो दिलवा दो कम से कम। चिंता ना करो, दिलवा के बेइज्जती करवा दी मारी। हेलो जी। हेलो, कैसे हो? जी क्या है? अरे मैम कुछ नहीं, कुछ। अरे डायरेक्टर साहब क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? अरे यार कैमरामैन भाई, मैंने पहली बार देखी हीरोइन। चलो मैम फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। अरे यार कील घुस गई चप्पल में। इसका तो मास्टर मैं हूँ, मैं निकालता हूँ कील। ये देखो किससे जुड़े हुए डायरेक्टर हैं। कील नहीं है ना, डेजर्ट नट। यार तुम तो बहुत लग रहा आदमी हो। हां कृष्णा जी आपको जैसे पता ही है हम इतनी मूवीज कर चुके हैं। 50 लाख हमें नहीं कराने फिल्म भाई। अरे डायरेक्टर साहब बैठ, कितना दे सकते हो आप? मैं डायरेक्टर साहब 40 लाख दे देंगे। 40 लाख? ऐसा कर तू ही बना ले फिल्म, मुझे नहीं बनानी फिल्म। डायरेक्टर साहब अपने हिसाब से कर लो आप। कितना करेगा फिल्म? 35 तो ठीक रहेगा। 35 35 35 लाख दे सके भाई? 35 बोल रहे हैं। 40 चलो वो तो वसूल कर लेंगे। चलो डन कराओ यार तुम। ठीक है मैम, 40 में डील डन। बस बस हेलो। अरे सुन बे श्याम प्रसाद, अब तुम मेरा बाप बाप कुछ नहीं है, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया हूँ, मेरी बहुत बड़ी फिल्म आ रही है। उनके पास चल रहा है, चलते हैं। चलो मैं भी आता हूँ। ठीक है हीरो बने के आता हूँ। मैडम आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, स्क्रिप्ट समझानी पड़ेगी आपको। चलो चलते हैं।
बात कर। हेलो भाई, तू बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहा है। छह की छह तेरे भीतर तार दूंगा मैं, जानता है तू मुझे। क्या करना इसका? बुला ले साले को। अरे हाँ तो पिताजी, कितना पैसा लगाओगे फिल्म में? अबे पहले ये बता, तू नाम लेके बोला था? अरे सुन, मैं श्याम प्रसाद। मेरे मुंह से निकल गया पिताजी, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जबान टूट गई। बोर्डो जी, आपको बच्चा ही तो है ये। अरे अरे, आ जाओ मैडम। बुढ़ा होगा तेरा बाप। पिताजी पैसा लगाना है फिल्म में, हीरोइन भी है। कितना पैसा लगेगा? 2 करोड़ लगाना है बस। 2 करोड़? अरे तो पिताजी क्या हो गया, हम कमाएंगे भी तो कितना कमाएंगे बताओ? 20 करोड़ कमाएंगे। 20 करोड़? हाँ जी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जमीन भेज दो पिताजी। ठीक है, कोई दिक्कत, कल ही लगाता हूँ। हम चले पिताजी, फिल्म बनेगी। ठाकुर साहब, कौन से वाली जमीन बिकवाओगे आप? अरे वो नदी पार वाली जमीन बेच दे यार, वहाँ पे तो घोड़ों का तबेला है। तबेला भी बेच दे। ठीक है ठाकुर साहब, और अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो? उड़ा दे सालों को। ठीक है ठाकुर साहब। ये पूरी जितनी भी देखा ना जमीन, ये पूरी की रजिस्ट्री करा दी मैंने। बेच दी तेरे लिए बेटे, तेरे लिए बेची। पिताजी आप चिंता मत करो, बस मुझे बर्बाद ना कर दिए बेटा। पिताजी आप, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। 18 करोड़ आपके चरणों में लाके रखूंगा। ठीक है, लो आगे 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 पिताजी। ठाकुर साहब जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। 2 करोड़ पूरे है ना जी? पिताजी आप बात करो, मैं चला शूटिंग करने। कड़ी मेहनत और दुनिया भर के झूठ और पिताजी की जमीन बेचकर उसके पास अब ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया है और अब वह फिल्म बना रहा है। आइए मिलकर देखते हैं फिल्म की शूटिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पहला शूट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सब लोग नागे आए हो ना। अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं समझ जाऊंगा तुम नागे नहीं आए। ठीक है भाई। सबसे पहले कैमरा मैन साहब, आपको कैमरा कराना है बहुत तरीके तरीके से। और इधर मेरे सिर पर लगा दे भाई। तो हीरो साहब आप इधर आओ। अरे हीरो है, आपको बताइए ये हीरो है। विलन साहब आएंगे और मैडम आप इधर आओ। आपने मारा कैसे भी मारो, ये गिरेंगे नहीं। लेकिन जब आप मारोगे तो इनकी बाजू ऐसे बढ़ गई। तोड़ दी। टूटी कुछ ना, यहाँ देख कैमरे में टूटी बूटी कुछ ना, बस वैसे आवाज आई टूनोक की। पेमेंट रोक दूंगा, पेमेंट रोक दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई टूटी नहीं, टूटी नहीं। ये बहुत बढ़िया।
डांस करना है यहाँ पे, ये है डायरेक्टर साहब कैसी बात कर रहे, शुरू तो बोल रहे मेरी ले फिर कह रहे उनके लिए डांस करना, ये यो हानि तो मेरी फिल्म कब आएगी तू कनक भाई, कब आएगी तू कनक मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए पहले काट दिए तेरे और अब और काट दूंगा, चल पीछे वरमाला पहनाएगी हीरोइन अब, तो देखना है कि हीरोइन किसको वरमाला पहनाती है। मेरे साथ जुड़े रहे वीडियो में, फिल्म आपको बहुत मजा आएगा, नंबर वन फिल्म चलेगी, 2 करोड़ का बजट है, आ जाओ। तो हीरोइन तो अपने हैं। तो आकाश जी, जैसा कि आप सभी को पता है आकाश जी हमारे कैमरामैन इस समय शूटिंग कर रहे हैं हमारी फिल्म की। हम भी हैं। हीरो तो मैं हूं भाई। अरे तू जा, तू जाकर जा, बन की फिल्म। अब हम ही हैं, अब हमारी हीरोइन वरमाला पहनाएगी। कोई टच नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। फिल्म में बहुत मजा आपको आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ बहुत आया, बहुत मजा। अब ऐसे हटा यार आकाश, क्या ड्रामा है इसका। हट जा भाई, हट जा। अब देखो मेरी बात सुनो सब लोग कान खोल के, फिल्म बहुत ही मजेदार शूट हो रहा है। फिल्म का हमारा आखिरी दिन है और हमारी शूटिंग आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारी फिल्म जाएगी एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के लिए जाएगी। लाइट तोड़ दी मेरी। अच्छा कोई नहीं, काट दो 5000 और काट दो, काट दो फिर। ठीक है। आपने देखा आखिरी में फिल्म में हीरोइन हीरो की होती है, विलन की होती है। पहली फिल्म बनी जिसमें हीरोइन डायरेक्टर की हुई, हीरोइन हो चुकी है डायरेक्टर की। फिल्म आपके सिनेमा घरों में जल्दी लगेगी, 2 करोड़ के बजट की फिल्म है, 20 करोड़ आपको पार करानी है भाई, कसम से तुम्हारी मांगी। ठीक है ना, चलो मैडम हम चलते हैं, बाय दोस्तों। क्या हुआ, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी फिल्म आज पूरी शूट हो गई। दोस्तों तुम लोग जाओ घर, मैं वीडियो की एडिटिंग करवा के इसको थिएटर में भेजूंगा। तो गोलियां चल जाते हैं, हम भी जाते हैं। अच्छा कैसे ले जाएं, जाओ घर, मैं भी जाता हूँ थिएटर में।
स्टेशन है पिताजी। वाह बेटा वाह, 18 करोड़ कमा के दिया, वाह। देखो ऐसा करेंगे, 50 लाख तेरे, 50 लाख तेरे, 50 लाख तेरे, 40 लाख तेरे। 40 क्यों? चलो कर लेना यार, 5000 रुपए मेरे, 5000 लाइट वाले के। दोस्तों मुझे खुशी है कि मैं 5000 रुपए कमा रहा हूँ। मुझे दुख नहीं है कि मैंने पैसा कम कमाया, बस मैंने डायरेक्टर बनना था, मैं बन गया। पिताजी लो आगे आगे। भाई साहब वहीं पे रुक जाओ, बस बिल्कुल वहीं पे रुक जाओ बिल्कुल। ऐसा करो, मेरे पिताजी मेरे भगवान है, 18 करोड़ रुपए पिताजी के चरणों में रख दो, 2 करोड़ रुपए इनमें बांट दो। ये घटिया मूवी बनाई है, इस तरह की कोई मूवी होती है? भैया एक नाराज क्यों हो रहे हो यार, ऐसा मत करो यार। अभी थिएटर की तुमने बंक पीट दी है, ये कोई मूवी होती है? बकवास फिल्म, बेहुदा फिल्म। मजाक कर रहे पिताजी, मजाक कर रहे। मजाक? बाबू जी सीरियस बोल रहे हैं। ऐसा ना करे भाई यार, 2 करोड़ रुपए मेरे। तो तुझे क्या बोल दो, सुपर हिट फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है। हट, पूरे थिएटर की ऐसी तैसी कर दी, सारी कुर्सी तोड़ दी। भाई मेरे पिता मेरे गोली मार देंगे, मजाक मत करिए। अरे मजाक की, तेरे पिता ही तेरे चाहे तो मार दे, हमें इससे क्या मतलब? हमारा 25000 रुपए नुकसान हो गया, तुम्हारी फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 15000 रुपए कमाए, ठीक है? और 10000 रुपए अब तू देगा, अब चाहे कहीं से दे, जमीन बेच, घर बेच, अपने आप को बेच। भाई ऐसा ना करे यार, मेरे बाप मैंने गोली मार दी। कल को ऑफिस पर हमारे 10000 रुपए लेकर आ जाना भाई, वरना तेरी फिल्म ऐसी बना दूंगा कभी। ऐसा ना करो प्लीज भाई, ऐसा ना करो यार, ताली दे दो भाई। बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी मुझे माफ कर दो। पिताजी देखो शाम का समय हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा पिताजी, अगली फिल्म बहुत बढ़िया बनेगी, मेरा वादा है पिताजी, मुझे माफ। तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया, सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी, सारी जमीनें बिकवा दी। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Then. I just been Hey guys, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।